क्षमा चतुर्वेदी है मेरा नाम। आप यहाँ पर यमुना मिशन मार्ग पर आप आई हैं, आप परिक्रमा करने के लिए आए हैं इस समय हम जी। तो कैसा लग रहा है ये जो बहुत दृश्य? अच्छा लग रहा है जी, बहुत सुंदर, सब देख के मतलब सफाई वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जी। तो जैसा कि परिक्रमा देने निकली तो उद्देश्य तो यही था कि प्रभु की तो प्रभु की उसमें ही निकलनी है परिक्रमा देने। तो देखो तो जब हम वही परिक्रमा किसी ऐसे गली मोहल्ले से जब निकलते हैं जहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तब अनुभूति क्या होती है, और आप जब आप एक सुंदर मनोरम दृश्य देख रहे हैं निकलेंगे तो देखो एक अलग ही वो आ जाता है, और उसमें निकलते हैं परिक्रमा तो करते हैं पर ये कहते हैं ये अपने ब्रज में क्या हो रहा है, देख के भी थोड़ा दुख होता है अपने ब्रज को देखते हुए जी। और यहाँ इसको देखते हुए थोड़ा मन में ऐसा लग रहा है कि अपना भी ब्रज एक अद्भुत चीज है जी जी, सुंदर जगह बनी है बिल्कुल। मैं बीना चतुर्वेदी, मुकुट मथुरा की परिक्रमा सबसे अद्भुत चीज है। जब तक मथुरा की परिक्रमा ना हो तो मथुरा में रहने का कोई उपलब्ध नहीं है। मथुरा की परिक्रमा में ये साफ सफाई यमुना मिशन से बहुत परिवर्तन हुआ है। अब कृपा इसके लिए यमुना जी का और निर्माण थोड़ा उद्धार हो जाए उसके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। जैसा कि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यमुना जी के किनारे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्ष लगाएं तो काफ़ी हद तक ये संभावना रहती है बहुत कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, शुद्धिकरण अपने आप होना शुरू हो जाएगा, अच्छा लगेगा। वो तो मिलें इनकी वजह से बहुत पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह थोड़ा वृक्षों के लगने से अच्छा रहेगा जी जी। तो कहीं हद तक हम ये कह सकते हैं कि आज जो ये वृक्षारोपण यहाँ हुआ है, खुली हवा मिल रही है, दृश्य मनोरम है और यमुना जी का किनारा है, इससे अद्भुत चीज क्या होगी, ये तो बहुत अच्छी चीज है। सरफराज नाम है मेरा और कच्ची सड़क पर रहता हूँ, आता हूँ यहाँ पे, बढ़िया लगता है। मेरा नाम देवेंद्र है, मैं भरतपुर गेट रहता हूँ। अच्छी जगह बनाई हुई है, प्लांटेशन अच्छी जगह जा रहा है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ इसको जी। तो वृक्षारोपण की अगर हम बात करें तो आप क्या उपयोगिता मानते हैं, वृक्षारोपण करने से क्या फायदे हो सकते हैं? ये तो जरूरी है एक तरह से, जैसे पानी जरूरी है, हवा भी तो जरूरी है ना, और जब ये नहीं होंगे तो कुछ नहीं है। आप देख सकते हो सिटी के अंदर कितना पॉल्यूशन है, नहीं जा सकते हम वहाँ, इतना सुकून से नहीं बैठ सकते ना जितना यहाँ बैठे हुए हैं, तभी तो धूप लेने आए हैं हम यहाँ। संडे है आज, स्पेंड करेंगे क्वालिटी टाइम। दैट्स इट। मेरा नाम कमर अब्बास, द्वारकाधीश पे रहता हूँ। यहाँ नेचर के उस रिगार्डिंग से यहाँ बैठते हैं, संडे संडे एंजॉय करते हैं जी। तो ये जगह अब बहुत अच्छी लगती है आपको, इसलिए यहाँ आते हैं या और कोई वजह है? नहीं, अच्छी लगती है, सिटी से हटके थोड़ा अच्छा लगता है जगह जी। मैं अपने स्वर्गीय ससुर जी की स्मृति में उनके लिए मैं यहाँ यमुना मिशन आई, मुझे यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, तो मुझे भी लगा कि मैं अपने ससुर जी और पिताजी के लिए वृक्ष लगाऊं, उनके लिए बहुत अच्छा लगा यमुना मिशन में। तो मैंने आज अपने ससुर जी और अपने पिताजी दोनों के लिए आज दो वृक्ष लगाए हैं यहाँ पर यमुना मिशन में, देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आचार्य जैमिनी, संगीत खेत से जुड़ा हुआ संगीतज्ञ ही हूँ। तो ये मैं आज मेरा भ्रमण यहाँ यमुना मिशन की ओर हुआ, बड़ा सुंदर लगा मुझे यहाँ आकर, बड़े पीपल कदम श्याम तमाल जैसे विलक्षण वृक्ष यहाँ, मैं उनको देखकर बड़ा दर्शन करके मुझे बड़ा सुंदर लगा, बड़ी शांति का अनुभव किया। और तुलसी वन तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, तुलसी जी यहाँ साक्षात, इतने तुलसी के पौधे, इतना अच्छा तुलसी, यमुना का तुलसी का तो ब्रज में बड़ा महत्व है, और साथ में तुलसी वन वो भी यमुना के किनारे हो तो इसका तो बड़ा विलक्षण फल है। एक तीर्थ स्थान की तरह लगा मुझे, मैं एक तीर्थ स्थान में आया हूँ। और सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ जो जितना भी पूरे शहर का जो भी गंदगी है, नाले हैं, उन सबको इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पेड़ों में वो जो उसी की खाद बन जाती है, वो जो सिस्टम किया है वो उसको बड़ा, एक तो वो यमुना से बचाव भी हो गया, यमुना जी की का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, यमुना जी को शुद्ध जल जो यमुना में है वो प्रदूषित नहीं होगा, और बाकी की ये जो जितनी भी गंदगी है वो ये इसी को यहीं खाद के रूप में पेड़ों पर इस्तेमाल करेंगे तो वो यहीं यहीं उसका निस्करण हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्लान है, और मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ,
श्री बांके बिहारी जी से ये प्रार्थना है मेरी कि ये कार्य इनका आगे बढ़े और इसी तरह वृक्षों का रोपण हो और इसी प्रकार वृक्ष बढ़ते जाए और आने वाले विगत 10 सालों और 15 सालों में जो लोगों को जीवन मिलेगा, जो लोगों को लाभ मिलेगा इस वृक्षों का, तो वो इन लोगों का तो खैर पुण्यफल है ही है। ये लोग इस सेवा को कर रहे हैं, बाकी ये जीवन में आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छा एक तरह से लाइफ दे रहे हैं और बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। मैं इस मिशन को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। राधे राधे।